हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, जिन भाइयों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है, जिनका भी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया है, जो लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे थे उनका अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया है, दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बने रहिएगा। तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि उसको करने के बाद आपका 99% आशा हो जाएगा कि हमारा स्कॉलरशिप जो रुका हुआ है वो जल्द से जल्द आ जाएगा। तो फिलहाल ऐसा ट्रिक क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बने रहिएगा, तो मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो के देखने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। यदि आपका स्कॉलरशिप जो स्टेटस है उसमें डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो गया है, लेकिन अभी तक जो है आपका स्कॉलरशिप नहीं आया है, लोग परेशान हैं कि हमारा स्कॉलरशिप सही है सब कुछ, फिर भी नहीं आ रहा है, ऐसा क्या दिक्कतें हैं, क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों, उनको तो तत्काल जो है कंप्लेन कर लेना है। तो कंप्लेन आप कैसे करेंगे? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, आपको कंप्लेन एक बार कर लेना है। यदि आप कंप्लेन कर देते हैं तो जो है आपका पैसा रुका हुआ है वो बहुत जल्द आ जाएगा आपके खाते में। फिलहाल दोस्तों, आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले आप 10 और 76, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप 10 और 76 पे जो है कॉल करना है। जैसे ही कॉल करेंगे कुछ सेकंड के बाद जो है आपका कॉल उठ जाएगा। उसके बाद उठने के बाद जो भी आपका प्रॉब्लम है स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप बताइएगा, जैसा कि आपका कॉलेज नेम हो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया है, ये सब आपको देना पड़ेगा। जैसे ही वहां से कुछ बताया जाता है या मांगा जाता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा और आपका कंप्लेन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपके मोबाइल पे एक मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद उस मैसेज से आप जो है अपना स्टेटस ट्रैक करके देख सकते हैं कि हमारे स्टेटस का क्या स्थिति है। तो जैसे ही मैसेज आ जाता है उस मैसेज के माध्यम से आप जो है अपना स्टेटस देख सकते हैं। तो आप कहेंगे स्टेटस मैं कैसे चेक करूंगा, तो फिलहाल मैं आगे बताने वाला हूं। तो फिलहाल दोस्तों, मैं एक रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा जिस तरह से लाइव करके बताया गया है किस तरह से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है तो आपको देना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बहुत सारे लोग परेशान हैं। सर लिखिए 5609 5609 40 40 10 21 21 00 00 372 372। यस सर, कॉलेज का क्या नाम है मदर? यह मैम IIT महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कॉलेज का क्या नाम है? MMIT। यस सर, वर्ष 2022-23 का है जी। कक्षा डिप्लोमा का प्रथम वर्ष या द्वितीय तृतीय वर्ष? मेरा सर सेकंड ईयर है और थर्ड सेमेस्टर का पेपर दे चुका हूँ। डाटा वेरीफाइड है आपका? जी सर, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है। आपकी छात्रवृत्ति की समस्या है, आपका डाटा वेरीफाइड है परंतु अभी तक छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है जी सर, उसकी शिकायत आपके दर्ज कर विभाग को भेज दिया जा रहा है। MMIT जी सर, शिकायत संख्या एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा, जैसे ही समाधान होगा हमारे सेवा अधिकारी द्वारा फीडबैक के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। कॉल को फीडबैक ले जारी की जा रही, मेरे माध्यम से बातचीत की गई है, उसके संतुष्टि के आधार पर 3 से लेकर अपने 1 तक का फीडबैक दे सकते हैं। मुख्यमंत्री संपर्क करने के लिए लाइन पर रहेगा। नमस्कार, CM हेल्प लाइन में आपका स्वागत है। हमारे CM हेल्प लाइन के जिस कर्मचारी ने आपसे बात की थी उसके द्वारा दी गई जानकारी से यदि आप पूर्ण संतुष्ट हैं तो 3 दबाएं, केवल संतुष्ट हैं तो आपके द्वारा सेवा अधिकारी को रेटिंग प्रदान करने के लिए धन्यवाद। आपके फीडबैक के आधार पर CM हेल्प लाइन को और बेहतर किया जाएगा, धन्यवाद। तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, यदि आप लोग जो है कंप्लेन कर देते हैं तो आपका जो है 99% आशा हो जाता है कि स्कॉलरशिप आ जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का स्कॉलरशिप फिर से चालू हो गया है। उसके बाद दोस्तों, आप कैसे जो है स्टेटस इसका चेक करेंगे, आपको जाना है जन सुनवाई पोर्टल पे, उस पे जाकर के जो है अपना जो है स्थिति देख सकते हैं, स्कॉलरशिप का स्थिति। और जन सुनवाई पे जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब डाल करके जो है वहाँ से जो है स्टेटस चेक कर सकती हैं। दोस्तों, यदि आपको लगता है ये चीज़ें सही हैं तो आपको जल्द से जल्द जो है कंप्लेन करा लेना है। यदि आप कंप्लेन करा देते हैं तो आपका जो है स्कॉलरशिप बहुत जल्द आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से जो भी है मैंने आपको बता दिया है, आपको जन सुनवाई पे पोर्टल पे कैसे चेक करना है, यदि आप लोग नहीं चेक कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसका लाइव वीडियो बना करके आपको दूंगा ताकि जो है आप अच्छे से जो है चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से जो भी है मैंने आपको बता दिया है और चलते हैं अगली वीडियो, मिलते हैं, तब तक जय हिंद।